वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिकोडिंग स्पोर्ट्स। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट डाउट सॉल्व करने वाला हूँ जो सभी के मन में उठ रहे थे, और काफ़ी सारे बच्चे मेरे से एक ही डाउट कॉमन बार बार पूछ रहे थे। सबसे पहला डाउट आप लोग पूछ रहे थे कि सर, हमारा एग्जाम तो हो गया, अब रिजल्ट कब आएगा? अब देखो, रिजल्ट तो बाकी बच्चों का ही बचा हुआ है ना, जिनका सेकेंड स्लॉट में एग्जाम है अगस्त में, उनका एग्जाम बचा हुआ है, गुवाहाटी वालों का स्किल एंड फिजिकल टेस्ट बचा हुआ है, तो ये सब हो जाएगा, फिर आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका सितंबर के फर्स्ट वीक में LNIP BPED का रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, ये प्रोबेबल डेट्स हैं, इसी के आसपास आएगा। दूसरी बात, सभी के मन में डाउट ये उठ रही है कि जिनका भी सेकेंड स्लॉट में एग्जाम है CUT का, उनका एग्जाम डेट्स बार बार पोस्टपोन किया जा रहा है। अब बार बार पोस्टपोन किया जा रहा है, तो आपको करना क्या है? आपको पता नहीं चल पा रहा आपका एग्जाम सिटी सेंटर क्या होगा, आपका एग्जाम का डेट क्या होगा, तो आपको बार बार लॉग इन करके देखते रहना है, जो भी आपका लॉग इन ID पासवर्ड है CUT UG की साइट पर, कि आपका उसमें नया फ्रेश डेट जब भी आ सकता है। ठीक, काफ़ी बच्चों का आज अपडेट हो चुका है उसमें, आप लोग लॉगिन करके देख लीजिएगा, जो CUT का मैंने बताया था वहाँ पर लॉगिन करके देखेंगे तो आपको नया आपका एग्जाम डेट और सिटी मिल जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली काफ़ी बच्चों का एग्जाम 10 अगस्त के बाद को शिफ्ट कर दिया गया है। ठीक है, जिन बच्चों का भी एग्जाम उनके डेट के हिसाब से चल रहा है उसको चलने दीजिए, और जिन बच्चों का भी पोस्टपोन हो रहा है उनके पास टाइम भी मिल रहा है आपको और तैयारी करने का। ठीक है, मतलब आपका एग्जाम 10 अगस्त के 12 अगस्त 13 अगस्त ऐसा कोई नया डेट आएगा तो आपको पता कैसे चलेगा, आपको लॉगिन करके देखना है। जिनका भी एग्जाम पोस्टपोन हुआ है उनके मेल ID पर एक मैसेज आया है कि आपका एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया है, आपका नया डेट्स हम आपको बाद में अनाउंस करेंगे। ठीक है, तो ये दो कॉमन डाउट था। अगर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि सर मेरा एग्जाम कब होगा सेकेंड स्लॉट का, तो वो मुझे मैसेज कर सकता है। ठीक है, नीचे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा व्हाट्सअप नंबर। तो ये सबसे मेजर दो कॉमन डाउट्स थे सभी के मन में आ रहे हैं। ठीक है, आपको पता होगा LNIP में सिलेक्शन के लिए हमें 3 फेज के थ्रू गुजरना पड़ेगा। सबसे पहला क्या था, हमारा रिटर्न हो रहा है, किसी का रिटर्न बाद में हो रहा है। ठीक है, रिटर्न टेस्ट का वेटेज कितना है 40%। दूसरा नंबर पे हमारा हो रहा है स्किल टेस्ट, स्किल टेस्ट का वेटेज कितना है 60%। ये दोनों को मिलाकर हमारा मेरिट लिस्ट बनेगा, जिससे हमारा कॉलेज में सिलेक्शन होगा। ठीक है, जैसा आपका रैंक रहेगा उसके हिसाब से आपको सेंटर अलॉट किया जाएंगे, आपको मौका दिया जाएगा चूज करने का, आपको ग्वालियर चाहिए कि गुवाहाटी चाहिए। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से रैंक के हिसाब से चूज कर लीजिएगा। और आपको इसके बाद देना पड़ रहा है फिजिकल टेस्ट, जो आपको पासिंग मार्क्स लाना पड़ रहा है जनरल और OBC के लिए 60%, वहीं ST और SC के लिए 55%। ठीक है, तो ये आपके 3 क्राइटेरिया थे LNIP में सिलेक्शन के लिए। सभी को पता होगा कॉमन डाउट, 3 कॉमन डाउट सभी के मन में आ रहे थे, तीनों डाउट को मैंने सॉल्व कर दिया है। और कोई डाउट अगर आपके मन में रह रहा है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ लीजिएगा या फिर कमेंट कर दीजिएगा, सारे कमेंट्स के रिप्लाई ऑलमोस्ट मैं कर देता हूँ। अब दोस्तों, जिनका एग्जाम बचा हुआ है, अगर वो कुछ तैयारी नहीं की है, ठीक है, तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, काफ़ी कम कॉस्ट में हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। उसमें मिलेगा कि आपको सारा नोट्स मिल जाएगा, उतना पढ़ लोगे 40 में से 36 से ऊपर आ जाएगा, बचे कुछ है 1 हफ्ते या 10 दिन जितना ही बचा आपके पास। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप हर चैप्टर के MCQ क्वेश्चंस वाले जो भी वीडियो आ रहा है और आ चुका है चैप्टर 4 तक, उसको सॉल्व कर लीजिएगा, बाकी के वीडियोस 2-3 दिनों में आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर। वरना कोर्स ज्वाइन कर लोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, एट मिनिमल कॉस्ट यू विल फाइंड बेस्ट। तो दोस्तों, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, कोई भी चीज़ आप मिस मत करिएगा, एग्जाम सिटी मिस मत करिएगा, एग्जाम देना मत भूल जाइएगा, कहीं भी डाउट होता है एक बार पूछ लीजिए। ठीक है, आपको अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आता है तो, क्योंकि इस बार हो क्या रहा है कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो गया। ठीक है, यहाँ करो, ये करो, वो करो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो हमारा काम है आपको डाउट को सॉल्व करना, जो भी आपके मन में आ रहा है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट बचा हुआ है तो आप WhatsApp पे, Instagram पे, डिकोडिंग स्पोर्ट्स या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, बाकी कोई भी अपडेट आता है और तो मैं आपको वीडियो के थ्रू बता दूंगा। ठीक है, काफ़ी दिनों से एग्जाम चल रहा था तो वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं था हमारे लिए। सभी लोग अच्छे से एग्जाम दीजिए, जो भी परचेज करके जा रहा है नोट्स, हमारे क्लास वाला बच्चा है, कोई भी ऐसा तो नहीं बोला कि एग्जाम खराब ही जा रहा है, सभी बच्चों को ऑलमोस्ट अच्छा ही गया एग्जाम, 37-36 एवरेज नंबर आ रहा है रिटर्न एग्जाम में, तो कोशिश करेगा आप भी अच्छा स्कोर करें रिटर्न एग्जाम में। बात रही LNCP का, तो काफ़ी बच्चे डिमांड कर रहे हैं सर LNCP का प्रिपरेशन स्टार्ट करो, LNCP का 26 तारीख को हमारा 22-26 एग्जाम है, क्या करना है? उसका आपका फिजिकल टेस्ट, स्किल टेस्ट, रिटन टेस्ट लाइन से तीनों दिन एक एक करके होगा, तो उसका आपको सिलेबस तो पता हुआ है ना, आप उसका पढ़ाई करिए, बाकी हम कुछ दिनों में उसका भी तैयारी कराएंगे आपके एग्जाम से पहले। तो दोस्तों, यही था आज के वीडियो के लिए, इतना ही था आपके लिए जो इंपॉर्टेंट बातें थी। सभी बच्चों जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं, एडमिशन वाले बच्चे करके रखे हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट टिप्स थी जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। बाकी अगर आपके मन में कोई भी डाउट बची है तो मैसेज कर दीजिएगा। डेट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।